हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी अलग है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अर्बन क्लैब ट्राई किया था। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस, कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है अर्बन क्लैब के साथ में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अर्बन क्लैब की बुकिंग किया था पिछले वीक, 3-4 दिन पहले ही मैंने बुकिंग कर लिया था। और मैंने आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे का जो भी जो वीकेंड गया है, इसी डे के लिए मैंने बुकिंग किया था पार्लर से। और मैंने बुक किया था कुछ चीज़ें, वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। 2 आईब्रो के 80 रुपीज़ और 3 अपर लिप्स किए थे, जिसका मैंने पे किया था 195 रुपीज़। और मैंने अपने लिए फुल आर्म वैक्सिंग और प्लस अंडर आर्म्स कराया था, 410 रुपीज़ का मैंने बुकिंग किया था। और इसके अलावा मैंने कट एंड फाइल और पॉलिश बुक किया था फीट के लिए, इसके लिए मैंने पे किया था 220 रुपीज़। और सेफ्टी अमाउंट था उसमें 149 रुपीज़ का। और इसमें मैंने कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी लिए थे, और डिस्काउंट्स वगैरह करने के बाद टोटल 600 मैंने पे किया था, मतलब 500 समथिंग मैंने पे किया था। पहले भी मैंने अर्बन क्लैब की बुकिंग कराई है, मैंने एसी रिपेयर के लिए कराई थी, जिसमें 2 बॉयज़ आए थे और सर्विस काफ़ी अच्छी उन्होंने दिया था। पर एंड में ही मैंने एक और बुकिंग कराई थी माइक्रोवेव की सर्विस के लिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और उन्होंने उसको चेक किया तो उन्होंने अमाउंट ही कुछ इतना ज़्यादा बताया कि हमने सोचा कि अभी दिवाली आने वाली है और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफ़र होते हैं, तो जो ये अमाउंट रिपेयरिंग का बता रहे हैं तो इससे अच्छा है कि उसी अमाउंट में हम थोड़ा सा और अमाउंट मिला के हम नया ले लेंगे, जिससे हमको वारंटी भी मिल जाएगी। तो फिर मैंने यही अच्छा समझा, तो हमने उन्हें मना कर दिया कि हम रिपेयर नहीं कराएंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं कभी भी कि आप उनको बुलाते हैं और रिपेयर नहीं कराते हैं, तो भी उनकी विजिटिंग के और जो वो चेक करते हैं तो उसका आपको पे करना पड़ता है। आई थिंक 300 समथिंग उसका चार्ज हमने पे किया था। रिपेयर करने से पहले ही आपसे वो शेयर करते हैं कि ये प्रॉब्लम है और इतना इतना चार्ज लगेगा अगर आप रिपेयर कराते हैं, तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कराना है या नहीं कराना है वो चार्ज। यहाँ कक्कड़ नाम था उनका, और वो आई फिर हमारे घर पर शाम को। तो आने के बाद उन्होंने जो भी उनका प्रोसीजर होता है पहले के जैसा है, पहले वो एक शीट बिछाती हैं और शीट के ऊपर सब सामान वगैरह लगाती हैं अपना, और उसके बाद फिर उन्होंने ग्लव्स वगैरह पहने और ऊपर से उनकी जो किट थी ऊपर से वो उन्होंने अपना बांधा। और उसके बाद फिर उन्होंने स्कैन किए अपने हाथ वगैरह की, फ़ोटो स्कैन करके उन्होंने सेंड किया, मतलब ये प्रोसीजर है सेफ्टी का। और जो उन्होंने सैनिटाइज़र यूज़ किया था उसकी भी पिक उन्होंने वहाँ पे सेंड किया। बट जो ग्लव्स उन्होंने निकाल के पहने थे, उन्होंने बैग खोला था अपना और उसमें से जो ग्लव्स निकाले थे वो बिल्कुल क्रश किए हुए रखे थे, तो वो न्यू बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो यूज्ड वाले ही वो पहन रही हैं, या फिर अगर नए भी होंगे तो उन्होंने जिस तरीके से रखा था क्रश किए हुए, बिल्कुल ऐसे गोले बने हुए रखे हुए थे। और फिर उन्होंने उसको ओपन करके पहना था, ये जो रबर वाले जो आते हैं ग्लव्स जो मेडिकल में यूज़ होते हैं, उस तरीके के ग्लव्स वो उन्होंने पहना हुआ था। मैंने उनको बोला कि मैं वीडियो शूट करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको मतलब कैमरे में नहीं आना है, तो इसलिए जब वो सब सामान लगा रही थी तो मैंने उसका शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वो बैठ के सब सामान लगा रही थी तो वो दिख रही थी इसलिए। और जब वो सर्विस कर रही थी तब मैंने बैक साइड से शूटिंग की है, तो भी उसमें उनका सर नहीं आया, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। बट ब्यूटिशियन बुलाई थी यहाँ पर, या तो वो न्यू थी अपने प्रोफेशन में, या तो वो फुली ट्रेन नहीं थी, क्योंकि उनको हर चीज़ के लिए हमें बोलना पड़ रहा था। एक होते हैं ना कि हम उनको कुछ बोलते नहीं हैं, हम चुपचाप से बैठ गए हैं और वो अपना काम फटाफट फटाफट करने लग जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था उनको। एक तो एक प्रॉब्लम ये मुझे लगी कि उनको बहुत जल्दी थी जल्दी जल्दी काम फिनिश करके वापस जाने की। तो अगर आपको पता है कि 3-4 लोगों की सर्विस आपको करनी है तो आपको फिर काफ़ी टाइम लेके आना चाहिए, आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और इससे पहले भी हमने वैक्सिंग कराई है रीका वैक्स की, बट इस बार पता नहीं क्या उनकी रीका वैक्स में प्रॉब्लम था या उनके करने के तरीके में प्रॉब्लम था। अभी तो मेरे हाथ पे मैं अगर आपको दिखाऊंगी तो पता नहीं मेरे कैमरे में ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आई डोंट नो, बट मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी। मेरी तो पिक्चर नहीं है क्योंकि मैंने क्लिक नहीं किया था, मेरी सिस्टर ने क्योंकि वहाँ पे कंप्लेन किया था तो उसने अपनी पिक्चर्स क्लिक करके वहाँ पे सेंड किया था, तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो उसके भी दोनों हाथों के ऊपर रेड कलर के पूरे पैच पैच पे हाथ पे उसको भी हो गया था, पूरे हाथ पे मुझे भी है, जो रेडनेस थी वो भी लाइट हो गई है,
बट ये मेरा कैमरा इतने अच्छे से कैच नहीं कर रहा है, तो मैं आपको शो नहीं कर पाऊँगी। ये पैच पैच जैसे हो गए थे रेड पूरे, और मेरे हाथ पे भी वैक्स से अगर स्किन की प्रॉब्लम होती तो सिर्फ एक को हो प्रॉब्लम होती तो मुझे समझ में आता कि मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम हो गई, तो हो सकता हो कि इसकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, गर्मी की वजह से हो गया हो। लेकिन जो उसको प्रॉब्लम हुई वही सेम मुझे भी प्रॉब्लम हुई। पूरे है कि आपको वैक्सिंग करनी है तो मैं लेके चलते हैं जो यहाँ से पहनाते हैं, क्योंकि अंडर आर्म्स का भी वैक्स करना होता है। वो ड्रेस लेके नहीं आई थी, प्लस जो मैंने कट एंड फाइल पॉलिश जो बुक किया था फीट के लिए, उसके उसमें जो उनको टूल्स वगैरह लगते हैं वो भी लेके नहीं आए। ये भी एक इरेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। जब मैंने 3 4 दिन पहले बुकिंग की थी तो आपको अपना सारा सामान रेडी होके ही आपको यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे आके आप बोल रहे हैं कि आप ये नहीं लेके आए हैं, आप ये उसके तो उन्होंने सॉरी बोल दिया था, बट फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने जब पूरी चीज़ बुक की है मैं उसी टाइम अपना टाइम निकाल के सब चीज़ कराने के लिए बैठी हूँ, और फिर आप आए हो, फिर आप आके ये बोल रहे हो कि आप ये सब सामान लाना भूल गए हो, और ये होगा नहीं। मेरी सिस्टर ने बोला कि फिर वो अपना मतलब वैक्सीन वगैरह करा लेती है, क्योंकि पेमेंट तो हमने ऑनलाइन पहले ही कर दिया था बुकिंग के टाइम पर ही। तो जो वो यूनिफॉर्म जो पहनी थी, जो उनका साइड में भी यहाँ से फटा हुआ था, आई डोंट नो कि वो इस तरीके से कैसे आई थी ऐसे फटा हुआ पहन के, या मे बी रास्ते में उनके फट गया हो, आई डोंट नो, बट वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आप कभी भी अर्बन क्लाइव की सर्विस बुक करते हैं तो आप उन्हें फ़ोन करके कंफर्म भी कर लें कि जो जो आपने बुकिंग की है वो सारा उसका जो भी सामान लगना है वो। हे फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करते रहिए। गाइस, गुड बाय।